महाराष्ट्र सरकार सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और लता मंगेशकर के ट्वीट्स की जांच करेगी। जी हां, महाराष्ट्र सरकार का खुफिया विभाग इन सितारों के ट्वीट की जांच करेगा। जांच इस बात की होगी कि क्या इन सितारों ने केंद्र सरकार के दबाव में ट्वीट किया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि रियाना के ट्वीट के बाद सचिन, लता, विराट सहित अन्य सितारों ने जो ट्वीट किया है उसके पैटर्न एक हैं। कई शब्द कॉमन हैं, खासकर साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का ट्वीट बिल्कुल एक जैसा है। खास करके साइना नेहवाल और अक्षय कुमार की ट्वीट दो एकदम सिमिलर ट्वीट है। इसके बारे में जरूर जांच हम करेंगे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जांच करेंगे कि किस प्रकार से हुआ। खास करके जो सुनील शेट्टी का जो ट्वीट है, उन्होंने जय नाम के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको रिट्वीट किया, इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार ने ये जांच की बात कही है, क्या आशंका है महाराष्ट्र सरकार को, और जो बात कही गई है कि ट्वीट कॉमन है, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है जिससे महाराष्ट्र सरकार को ये लग रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए? जाहिर है कि जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में कई बातों की तरफ इशारा भी कर रही हैं। गृह मंत्री का ये बयान कि उन सितारों और भारत रत्न के ट्वीट की जांच कराएंगे जो कि देश की एकता और एकजुटता की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों की ट्वीट की जांच नहीं होगी जो देश में एकता और अखंडता को विरोध में थे, यानी देश में एकता के लेकर विरोध में करते, देश की अखंडता के विरोध में थे, देश में वैमनस्य फैला रहे थे, उन लोगों की ट्वीट की जांच नहीं होगी। जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लता मंगेशकर की ट्वीट की जांच कराएंगे, सचिन तेंदुलकर की ट्वीट की जांच कराएंगे, जिन लोगों ने देश की एकता अखंडता के लिए कई बार नमूने पेश किए हैं, कई बार उनके जो काम है देश की एकता और अखंडता के बात रही है, देश के हित में बात रही है, लेकिन देश विरोधी ताकतों की वो ट्वीट की जांच नहीं कराएंगे, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ये हालांकि गृहमंत्री ने तब कहा जब कांग्रेस के शिष्टमंडल जाके उनसे शिकायत की कि इन लोगों को ट्वीट को लेकर उन्हें संदेह है और वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसके बाद गृहमंत्री ने स्पष्ट कहा, गृहमंत्री का यह बयान भी आया जिस तरीके से उन्होंने कहा कि साइना नेहवाल और अक्षय कुमार की ट्वीट एक जैसे दिखते हैं। अब बात ये उठता है कि क्या भारत माता की जय कहना अलग अलग हो सकता है, क्या एक ही तरह से हो सकता है? देश की एकता और अखंडता की बात करने वाला अलग अलग तरह की नहीं होता, एक ही तरह से हो सकता है। अब इन ट्वीट की वो जांच कराएंगे, लेकिन जो लोग देश के हित में बात नहीं करते थे, देश विरोधी ताकतों की ट्वीट की वो जांच नहीं कराएंगे, क्या ये किसी तरह से राजनीति से प्रेरित है क्या? ये सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरीके से विरोधी पक्ष ने स्पष्ट कहा है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री की अब जो बयान आया है कहीं ना कहीं किसी तरह राजनीति से प्रेरित है, और इस बात को लेकर गृह मंत्री को फिर से सफाई देनी पड़ सकती है कि आखिर वो किस तरीके से जांच कराना चाहते हैं। जिन लोगों ने देश की एकता की बात की क्या उनकी ट्वीट की आप जांच कराएंगे? ओके, ये बात बिल्कुल ठीक कही राजीव रंजन ने कि किस दिशा में ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी खबर के लिए।